नमस्कार किसान भाइयों, आइए आज हम आपको ले चलते हैं राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में, जहां पर देखिए कि रेतीली मिट्टी में चंदन की खेती की तैयारी की जा रही है। आइए जानते हैं कैसे। सबसे पहले तो ये देखिए, ये टैंक बना है जहां पर ये पूरा डैम है, जहां पर पानी स्टोरेज होगा और इस पानी को स्टोर करके, क्योंकि ये रेतीली मिट्टी होने की वजह से यहाँ पानी की किल्लत न हो, जिसकी वजह से इसको ये बनाया गया है, इसमें पाइपलाइन लगा करके सिंचाई की जाएगी। आप देखिए कि यहाँ से ये पाइप गया है, यहाँ पर जो अपना मोटर फिट होगा और यहाँ से मेन लाइन जाएगी। ये जो आप देख रहे हैं पूरा गड्ढा, ये पूरा मेन लाइन जा करके वहाँ एक मेन लाइन में मिल जाएगा। जी हाँ, ये आकर के यहाँ मिलेगा। यहाँ से पूरा ये दो लाइन है, ये लाइन पूरी यहाँ से वहाँ चला गई है और दूसरी लाइन जो है वो दूसरी लाइन इस तरफ से आएगा। एक सब्जी की लाइन होगी और एक जो है प्लांट की लाइन होगी। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये 15 फीट पर ये गड्ढे किए गए हैं, जिस पर चंदन, फिर चंदन और बीच में जो लाइन होगी वो सब अदर प्लांट है, जैसे नींबू, एप्पल बेर, अनार, पपैया वगैरह वगैरह। ये देखिए, ये पौधे नींबू के हैं, ये प्लांट एप्पल बेर के हैं जो लगाने के लिए आया हुआ है। ये अपना फार्म हाउस का स्टोरेज और रहने के लिए बनाया गया है, वो अपना नर्सरी के लिए है। और ये पूरा फील्ड आप देख पा रहे हैं कि ये करीब 3 एकड़ का फार्म हाउस है। इसके बाद ये बेड बने हुए हैं, जिस पर अभी प्लास्टिक की मल्चिंग होना बाकी है, इस पर मल्च किया जाएगा। अभी ये पूरी तरीके से खेत रेडी हो रहा है। अब इस बेड के बीच में और ये वाले बेड के बीच में ये गड्ढे किए गए हैं जो पौधरोपण के लिए, जिस पे चंदन की खेती होगी। एक गड्ढा इधर चंदन का है, दूसरा गड्ढा यहाँ पर ये फिर नींबू का रहेगा, फिर चंदन रहेगा, फिर नींबू रहेगा, फिर ऐसे पूरा ये लगेगा, नींबू, अमरूद, एप्पल बेर वगैरह वगैरह। ये पाइप रेडी हो रहा है लगाने के लिए, इन गड्ढों में डालने के लिए। अपना ये जो मेन बोर है वो वहाँ पर है। तो किसान भाइयों, ये राजस्थान के लिए एक बहुत बड़ा काम होगा। इसकी सफलता के बाद यहाँ पर तमाम हजारों लाखों किसानों के लिए ये काफ़ी सफलता के एक नए द्वार खोलेगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी लैंड बाकी पड़ी है और यहाँ के किसान कुछ करना चाहते हैं, लेकिन हो क्या रहा है कि उनके पास वो अवसर, वो अपॉर्चुनिटी नहीं है, जिसकी वजह से वो नहीं कर पा रहे। लेकिन इस फार्म की शुरुआत करने के बाद सिंजारा लाइफ केयर राजस्थान में आज हमारे पास बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो आते हैं इस फार्म पर पूछने के लिए, जानने के लिए कि सर इसको हम कैसे करें। हमने कहा भाई, आप इसकी सफल हो जाने दीजिए, इस फार्म के बाद आप इस पर आगे बात करिएगा। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन का इसमें काम है और 15 दिन के बाद हम इसको पूरी तरीके से डेवलप कर चुके होंगे। इस फार्म से ज़्यादा जुड़ी जानकारी, इस फार्म को डेवलप होने के बाद दूसरी वीडियो में बहुत ही जल्द कंपनी के जो है यूट्यूब चैनल पर डालेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।